मुझे आप लोग ये बताएं, नाइन्थ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आपसे पूछूं, लव्स इंडस्ट्री का मतलब आपको समझ में आता है क्या है? यस, एक नौयत के बिजनेसेस, बिजनेस वन, बिजनेस टू, बिजनेस थ्री, और ये सब एक नौयत का काम कर रहे हैं। किसी भी नंबर ऑफ बिजनेस की क्लासिफिकेशन जो है वो इंडस्ट्री कहलाती है। अब वो क्लासिफिकेशन बाय रीजन कर रहे होगे। मिसाल के तौर पे कराची की जो तमाम इंडस्ट्रीज है, इसका मतलब कराची के अंदर रहते हुए तमाम टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। अगर मैं कहूँ एजुकेशन इंडस्ट्री या एजुकेशन सेक्टर भी कह सकता हूँ, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड तमाम, जैसे कि जो एजुकेशन प्रोवाइडिंग स्कूल, जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इसके अलावा कोई प्राइवेट एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, ये सब कुछ। ठीक है, सो इंडस्ट्री का मतलब समझ लें एक क्लासिफिकेशन है, बिजनेसेस की कैटेगराइजेशन है। अगर मैं कहूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो उससे क्या मतलब समझ में आता है? कपड़ों की इंडस्ट्री। टेक्सटाइल का मतलब क्लोथ्स, क्लोथिंग, कोई भी क्लोथ, कोई भी फैब्रिक, कोई भी कपड़ा, उसकी इंडस्ट्री। अब इसके अंदर तौलियों की भी आ सकती है, चादरों की भी आ सकती है, बिस्तर पे बिछाने वाली जीन्स की पैंटे हो, पहनने के कपड़े हो, ठीक है, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ क्लोथ और फैब्रिक इज इन कम्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज बूमिंग। अगर मैं कहूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज बूमिंग ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एंड द एक्सपोर्ट्स इंक्रीज ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन पाकिस्तानी रुपी, के रुपए की कदर गिर गई। तो रुपए की कदर गिरने से क्या हुआ कि जो दूसरे ममालिक के लोग हैं उनको सस्ता पड़ने लगा हमारा सामान। मिसाल के तौर पे मुझे अगर कोई चीज 5,000 की बेचनी थी, तो कल तक अगर वो चीज लेट सपोज $50 में आती, तो आज के दिन वो चीज जो है $30 में समवेयर आ जाएगी। समझ आ रही? तो उनको सस्ता पड़ा ना, सो दे विल मूव हियर, वो यहाँ पर से मंगवाएंगे माल, तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी क्योंकि हमारी करेंसी वीक हो गई, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। सो स्पेशली स्टार्टेड विद व्हाट सेंटेंस? द टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम्ड। तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिटरली बहुत बूम कर रही है। जो भी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं उनको पता है सवाल है। ठीक है, अच्छा जी, मैं कहूँ सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री, तो जरा क्या जहन में आता है इसको सुन के? सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री, सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री हमारे तीन मेन, मैंने आपको बताए थे तीन सेक्टर्स होते हैं, कुछ याद आ रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, जो नेचुरल रिसोर्सेज से आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के जरिए, ठीक है, इसी तरीके से किसी किस्म के एक्सट्रैक्शन रॉ मतलब मिनरल्स की माइनिंग के जरिए, एग्रीकल्चर, माइनिंग या किसी भी किस्म की फार्मिंग या फिशिंग, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस से हम गैदर कर रहे हैं। तो वो वाले बिजनेसेस जो जिनकी ये वाली एक्टिविटीज होती है नेचुरल रिसोर्सेस से गैदर करने वाली, तो प्राइमरी सेक्टर के बिजनेसेस कहलाते हैं, या हम कह लेते हैं वो प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग होता है, जिनका इनपुट जो है वो कोई रॉ मटेरियल होता है और आउटपुट कोई फिनिश प्रोडक्ट होती है। अब वो रॉ मटेरियल चाहे यहाँ से आए, प्राइमरी सेक्टर से आए, या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिजनेस से माल बन के दूसरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिजनेस में जाए, उसकी मिसाल कुछ ऐसा है। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर से कॉटन उगा और कॉटन गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कॉटन से यार्न बना, ठीक है, यार्न वो धागा होता है जिससे कपड़ा बनता है, तो कॉटन से यार्न बना, तो यार्न जो है वो फॉर एग्जाम्पल एक इनपुट आया कॉटन और उससे बना दिया यार्न, आउटपुट यार्न हुआ। फिर यार्न एक बिजनेस ने यार्न को इनपुट लिया और आउटपुट क्या दिया उसके बदले? फैब्रिक, कपड़ा। तो ये दोनों बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हैं, जिसने कॉटन से यार्न बनाया वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जिसने यार्न से कपड़ा बनाया वो भी, इनफैक्ट जिसने कपड़े से कोई लेट सपोज क्लोथ्स स्टिच कर दिए, तो वो भी हमारे सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री के ही है। ठीक है, ये बात क्लियर होती है जरा? अच्छा, फिर टर्शियरी सेक्टर की बात। टर्शियरी सेक्टर सर्विसिंग सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर है, जिसके अंदर क्या मिसाल है? लेट सपोज एजुकेशन सेक्टर और मेडिकल सेक्टर, जिसमें मेडिकल की दवाइयां जो बनती है, मेडिसिन जो बनती है वो नहीं, वो तो सेकेंडरी में आएगा, लेकिन जो डॉक्टर्स से जाके हम कंसल्टेशन करते हैं वो हमारे टर्शियरी सेक्टर सर्विसिंग है। इस तरह बैंकर्स, बैंक्स जो है सर्विसिंग इंडस्ट्री के बिजनेसेस है। और कोई मिसाल दे सर्विसिंग इंडस्ट्री? ट्रांसपोर्टेशन, गुड। और शॉप्स, यस, जो ट्रेडर्स होते हैं बना बनाया माल आगे बेचते हैं, मतलब माल के अंदर कोई तब्दीली नहीं ला रहे, तो वो सर्विस किस तरह से दे रहे? वो सर्विस ये दे रहे हैं कि फैक्ट्रियों से बना हुआ माल या होलसेलर से बहुत बड़े बैचेस में माल वो खरीदते हैं और इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर, मतलब डिवाइड करके एक एक यूनिट के अंदर, एक एक प्रोडक्ट के अंदर सेल करते हैं, पूरे पूरे कार्टन लेते हैं और एक एक पैकेट सेल करते हैं। तो दैट इज द वैल्यू दे आर एडिंग। एक तो हमारे डोर स्टेप पे दे रहे, घर के आगे दे रहे, घर के करीब होती है शॉप, तो एक सर्विस तो ये। दूसरी सर्विस ये कि हमें एक यूनिट चाहिए, अगर पूरा डब्बा नहीं चाहिए पूरा, तो वो एक यूनिट भी देते। ठीक है, तो ये भी ट्रेडर की सर्विस है हमें। इस तरह टर्शियरी सेक्टर के अंदर कॉल सेंटर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, जितने भी सर्विसिंग है वो सारे टर्शियरी है, ये बात भी क्लियर होती है। कुछ मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बिजनेसेस के नाम बताइए, पहले तो कुछ मुझे प्राइमरी सेक्टर के बिजनेसेस के नाम बताइए। एग्रीकल्चर के जितने भी है इसने पूरा एकदम कवर कर लिया, सारे फार्मिंग आ गए, लाइव स्टॉक फार्मिंग आ गई, आपकी जितनी भी क्रॉप फार्मिंग है सब आ गया, और माइनिंग बहुत बहुत डिफरेंट बताया आप लोगों ने दोनों,
फिशिंग, ये थोड़ा सा वो है जो कि मैंने लिखा नहीं था, मुंह से बोला था खाली। और ये रॉ मटेरियल क्यों कह रहे हो बार बार? एक फॉर एग्जाम्पल, कच्चा कपड़ा जो है, ठीक है ना, रोल हुआ हुआ कच्चा कपड़ा, एक कच्चा कपड़ा है, तो ये धागे से बना हुआ है। एक ऐसा बिजनेस जो कच्चा कपड़ा लेके, इनपुट लेके उससे पूरी एक पैंट बनाता है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो कच्चा कपड़ा है। अब कच्चा कपड़ा हमारे प्राइमरी सेक्टर का तो नहीं होता ना, तो रॉ मटेरियल का मतलब ये हो गया कच्चा माल। वो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी दूसरे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बना सकता है। एक बिजनेस के लिए धागा है, उस धागे से कपड़ा बनाता है, तो उसकी फिनिश प्रोडक्ट कपड़ा है। दूसरे बिजनेस के लिए कपड़ा रॉ मटेरियल है और उससे वो पूरी पैंट बना देता है, उसका फिनिश गुड पैंट है। तो रॉ मटेरियल मत बोलो बार बार, ठीक है? आपके जो नेचुरल मटेरियल्स है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वहां से कुछ एक्सट्रैक्ट करना, वहां से कुछ प्रोड्यूस करना, वो प्राइमरी सेक्टर बिजनेसेस है। अच्छा, बुक सामने है क्या? फॉरेस्ट्री, इट्स डिफरेंट। अच्छा है, इनफ है हमारे लिए, ये प्राइमरी सेक्टर के हो गए। अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की मिसालें पूछूं, बेतहाशा आनी चाहिए। आयरन और स्टील, टेक्सटाइल, मिल्किंग, प्लास्टिक। और बेटा मिल्किंग मैंने यहाँ लिखा है, किसी ने ये क्यों नहीं बोला हो यार भाई, ये मिल्किंग प्राइमरी सेक्टर का है। गाओ को मिल्क कर रहे हो, व्हाट इज इट? अगर आप कहो कि प्रोसेस्ड मिल्क जो कि डब्बों में पैक करके बेचते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, लेकिन मिल्किंग का मतलब तो काउ को मिल्क करना। अच्छा, प्लास्टिक क्या? प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है कोई, अगर ठीक है, प्लास्टिक टॉयज मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। बताइए जरा, आप कोई मिसाल दीजिए सेकेंडरी सेक्टर की। फर्टिलाइजर्स बनाने वाले जबरदस्त, ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चरर, क्रॉकरी, यस। फिर बुक के अंदर आपके आएगा ब्रिक किन्स। अब ब्रिक किन्स समझाना पड़ेगा, KILNS किन्स। ब्रिक किन्स क्या होती है? मिट्टी के पत्थरों को क्या कहते हैं? ईंटे, ईंटे बनती है जहां पर, ब्रिक किन्स। तो खैर, ये हमारे सेकेंडरी, टर्शियरी, एजुकेशन, टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, उसको तुम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, अगर कहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आ रही है और आप वो इलेक्ट्रिसिटी खाली खरीद के लोगों को सप्लाई कर रहे हो, तो दैट विल बी टर्शियरी। सिर्फ आप सप्लाई कर रहे हो, जनरेट नहीं कर रहे अगर, तो फिर टर्शियरी है। होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, किसी किस्म की कंसल्टेंसी, जैसे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होती है, ठीक है, या फिर डॉक्टर्स के पास जाके कंसल्टेशन करते हैं, वो भी शामिल है टर्शियरी में, ठीक है, क्लियर है सारा? सर्विसिंग सेक्टर, ट्रेडिंग भी इसमें आ जाता है टर्शियरी में। इस सारी बातों को जान के चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और ये बहुत, फिर इस सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ी हुई है ना, उसके बाद ये चैप्टर हमारा बहुत आसान हो जाता है। सेकेंडरी प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री हमने पिछले चैप्टर नंबर 7th में पढ़ लिया था, ठीक है, और इसके अलावा चैप्टर 8 में भी कह लो, चैप्टर 6 में भी कह लो, क्योंकि फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और पावर रिसोर्सेज, जो हम यू नो कोल को माइन करते हैं और इसी तरीके से ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो सारे प्राइमरी सेक्टर्स है। सेकेंडरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री की या सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की बात करें, तो उनका जो इनपुट होता है, इसमें बहुत बड़ी लिस्ट लिखी है, मैं चार इनपुट बताता हूँ। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। जगह, मजदूर मतलब काम करने वाला, वर्कफोर्स। कैपिटल वो रिसोर्सेज जिनको इस्तेमाल करके कुछ प्रोड्यूस किया जाए, और एंटरप्राइज, एंटरप्राइज वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन तीनों को, जो इन तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, इनको कंबाइन करती है, एंटरप्राइज। तो ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, FOPs। अच्छा, इन चार की अगर मैं मिसाल देना चाहूँ, मिसाल के तौर पे जो आपने मिसालें दी उसमें से अगर एक उठाते हैं, ठीक है, कॉटन, कॉटन का यार्न से फैब्रिक बनाते हैं, तो ये काम है वीविंग। इस एक्टिविटी को कहते हैं वीविंग, WEAVING, वीविंग, ठीक है, वीविंग, यार्न से फैब्रिक को वीव करते हैं। अच्छा, इसमें इस काम को करने के लिए जगह चाहिए, कोई प्लेस चाहिए ना, क्लियर, काम करने वाले चाहिए। नहीं उधर भाई, मशीनरी से होता है, तो मशीन बनाती है, तो मशीन को भी तो ऑपरेट करने वाला चाहिए ना, सही, वर्कफोर्स चाहिए, लेबर नहीं, मशीन खुद सारा, बस स्टार्ट का बटन दबाना, स्टार्ट का बटन दबाने वाले तो चाहिए ना, और अकाउंटेंट्स तो चाहिए ना जो सारी अकाउंटिंग करेंगे पूरे बिजनेस में, सिक्योरिटी गार्ड्स तो चाहिए ना, वर्कफोर्स तो चाहिए, कैपिटल, ये सारी तमाम वो रिसोर्सेज है, तमाम टूल्स, तमाम इक्विपमेंट्स, या वो पैसा जिसको इस्तेमाल करके हम सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, या वो रॉ मटेरियल जो कि हम शुरू में, मतलब कुछ शुरू में डालेंगे किसी प्रोडक्ट मशीन के अंदर, तो कुछ बन के निकलेगा ना, तो वो सब कुछ कैपिटल में आता है। और एंटरप्राइज ये वो शख्सियत है या ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन तीनों को जमा करती है, मतलब बिजनेस, वरना कितना सारा लैंड पड़ा होगा खाली कहीं ना कहीं, कितनी सारी लेबर अनएम्प्लॉयड पड़ी हुई होगी कहीं ना कहीं, 6% ऑन एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पाकिस्तान, ठीक है, कितनी सारी लेबर अनएम्प्लॉयड होगी, कितना सारा लैंड फजूल में खाली पड़ा होगा, और कितने सारे लोग होंगे कि जिनके पास कैपिटल रिसोर्सेस सेल करने के लिए मौजूद है, मशीनरी सेल करने के लिए मौजूद है, जिस मशीनरी को इस्तेमाल करके, और जिस और कितने लोग हैं जिनके पास रॉ मटेरियल सेल करने के लिए मौजूद है, उस रॉ मटेरियल को, मतलब यार्न, बहुत से बिजनेसेस हैं जो कॉटन से यार्न बनाने के लिए रेडी है, यार्न खरीदने वाला मौजूद है, तो कितना सारा यार्न अवेलेबल होगा मार्केट में, वो पकड़ो, ऐसी मशीनरी पकड़ो, सब कैपिटल रिसोर्सेज में आता है, ऐसी मशीनरी पकड़ो जो यार्न से
फैब्रिक बना दे, ठीक है, तो वो सारी चीजें मार्केट में पड़ी हुई इधर उधर। पहले एक बंदा एक आइडिया के साथ आता है, वो एंटरप्राइज कहलाता है बंदा, वो एक आइडिया के साथ आता है, या वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है उसके पास, या फिर वो इन्वेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है कि शुरू में पैसा लगाए, तो वो कंबाइन करता है इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को और फिर प्रोडक्शन होती है। तो इनपुट्स हमारे ये मेन चार इनपुट्स हैं, बाकी इन्हीं की अंदर की कैटेगरीज है। अब इसमें लिखे हुए छह, कैपिटल, लैंड, लेबर, सही, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, चारों लिखे हो, दो एक्स्ट्रा लिखे रॉ मटेरियल और पावर। ये रॉ मटेरियल कैपिटल का ही हिस्सा है दरअसल, आप जो इनिशियल माल डालोगे उसमें से, ये थोड़ी कि कैपिटल रिसोर्स में बड़ी मशीनरी काउंट होती है, वर्किंग कैपिटल की भी तमाम चीजें काउंट होती है, जो जो रॉ मटेरियल या इस तरह के आइटम्स है, रनिंग आइटम्स, तो रॉ मटेरियल इनपुट होगा, यार्न इनपुट होगा, तो यार्न भी कैपिटल रिसोर्स ही है कि जिसको यूज करके प्रोडक्शन होती है, और पावर, पावर मतलब बिजली, वो भी कैपिटल रिसोर्स है, मतलब वो भी कोई रिसोर्स है जिसका इनपुट हो रहा है और प्रोडक्शन के अंदर, यू नो, प्रोडक्शन के अंदर सपोर्ट कर रहे। तो प्लेस और वर्कफोर्स के अलावा जो थर्ड है वो कैपिटल रिसोर्सेज है तमाम, उन तीनों को मिलाने वाले एंटरप्राइज, ठीक है। और ये प्रोसेसेस क्या क्या इंडस्ट्री के, स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग किसे कहते हैं, क्या किस वक्त पिघलाना, आयरन, आयरन निकालना, आयरन ओर से निकाल, मतलब किसके अंदर करते हैं ये प्रोसेस, आयरन ओर से आयरन जो पिघलाते हैं वो किसके अंदर करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस होता है कि जिसमें हम कोल से कोक पहले बनाते हैं और कोक जलाते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, जिससे उस ब्लास्ट फर्नेस में फिर जाते हैं, डालते हैं हम आयरन, आयरन ओर, और उसमें से हम आयरन अलग करते हैं, ठीक है, सा होल प्रोसेस आयरन में, और फिर वो आयरन से फिर उसी में से स्टील के कंपोनेंट्स भी निकलता है, स्टील भी निकलता है। अच्छा जी, तो स्मेल्टिंग वो प्रोसेस कहलाता है स्मेल्टिंग, जो ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम आयरन ओर को पिघलाते हैं। वीविंग, धागे से कपड़ा, सीना नहीं, सीना स्टिचिंग होता है, इसे बुनना कहते हैं, कपड़े बुनना, वीविंग। स्पिनिंग, हाँ, स्पिन, पहले स्पिनिंग होता है, कॉटन से फ्लफी सा कॉटन होता है उससे धागा, यार्न जो बनता है उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। डाइंग, DYEING, डाइंग, कलर करना। प्रिंटिंग पता है आपको, निटिंग, निटिंग भी वही होता है उस तरह का, लाइक कुछ बुनना। वीविंग एक्चुअली कपड़े का बनना होता है पूरा, और निटिंग होता है एक्जैक्टली बुनना, KNITING, निटिंग। स्टिचिंग, सीना, टैनिंग और मोल्डिंग। अच्छा, टैनिंग जो है वो जरा मैं देख लूँ, टैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग स्किन हाइड्स ऑफ एनिमल्स टू प्रोड्यूस लेदर। ओके, एक्चुअली वो भी जो पीछे पिक्चर आ गई थी वो टैनिंग सनबर्न वाली थी, कि टैनिंग ये होता है कि आप, यू नो, चेंज द कलर ऑफ स्किन, तो टैनिंग होती है खालों की, आपके लेदर, आपकी जो स्किन होती है ना, स्किन और हाइड्स कहलाती है, जो जानवरों की खाले वो स्किन और हाइड्स एंड स्किन कहलाते हैं, HIDE, हाइड और स्किन भी कहलाती है, तो उसका कलर टैन होना टैनिंग वो कहलाता है, सही है। अच्छा, एनीवेज, तो टैनिंग, और उसके अलावा मोल्डिंग, मोल्डिंग मतलब बोड़ना किसी भी स्टील प्रोडक्ट्स को या कोई भी, मोल्डिंग कहलाते। इनके आउटपुट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ये सारे प्रोसेस के बाद फिर आउटपुट्स क्या बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रू का एक प्रोसेस है, BREW, ब्रूइंग, तो उसमें बेवरेजेस बनती है, मतलब जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसी तरीके से आपके प्लास्टिक को अगर आपने पिघला के कुछ बनाया डाई के अंदर, तो जो है ना, किसी प्लास्टिक को मोल्ड किया किसी शेप के अंदर, तो वो बॉटल्स बन जाती है उससे, ठीक है। इसी तरह मतलब मैन्युफैक्चर्ड गुड जैसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी भी दरख्त की छाल को या दरख्त के मटेरियल्स को आपने प्रोसेस किया और उसके जरिए कोई दवाइयां बना दी। ड्रग्स का मतलब सिर्फ मंशियात नहीं होती, नशे के आइटम्स नहीं होते, बल्कि दवाइयां भी ड्रग्स कहलाती है, ठीक है। फैंस, गारमेंट्स, मोटरसाइकिल्स, तो यहाँ पर आपको बताया हुआ। अच्छा, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट ओनर अपने पास लेके जाता है, या अब जितना उसको अपने पास लेके जाना होता है विड्रॉ कर लेता है, वरना री इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। और वेस्टेज भी जो होता है ना, तो वो रिसाइकिल हो जाता है। अगर रिसाइकिल हो जाता है, वेस्टेज को डंप नहीं करते, और वेस्टेज अगर रिसाइकिल हो जाए तो वो भी दोबारा यूज हो जाता है आपके प्रोडक्शन प्रोसेसेस में, ठीक है, या तो वो सेल ऑफ भी कर सकते हैं बाय प्रोडक्ट के तौर पे। सो यू गाइस विल, यू नो, यू गाइस विल रीड इट एंड यू विल सी कि आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है जो लगते हैं उसके बाद क्या बनता है। अच्छा, वो कौन से फैक्टर्स है जो इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब हमें इंडस्ट्री कहाँ लगानी चाहिए, इस हमारे इस डिसीजन को असर करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स है, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। मतलब फिजिकल मतलब कि नेचुरल रूट्स हो, वो ऐसे रगेड सर्फेसिस ना हो, जैसे कि बलूचिस्तान की पहाड़ियों वाली जगह ना हो, कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ना लग सकता हो, ठीक है, जहां पर पानी मौजूद ना हो, ठीक है, आसपास। तो ऐसी जगहों पर अगर आपको सेटअप लगाना है कि फॉर एग्जाम्पल जहां पर आपको साफ पानी की जरूरत पड़ सकती है, तो आप अपनी इंडस्ट्री उस जगह पर लगाओगे जहां से दरिया का गुजर है या साफ पानी का कैनाल्स वगैरह बने हुए हैं, ऐसे दूर दराज नहीं लगाओगे। इसी तरह ऐसी जगह पर लगाना चाहते हो कि जहां आपकी जो भी प्रोडक्ट्स है वो ड्राई रहे, तो आप समंदर के पास नहीं लगाओगे अपनी इंडस्ट्री पर, प्रोडक्ट्स ड्राई नहीं रहेंगी, वहां नमी आ जाएगी, ठीक है। कोई भी लोहे की प्रोडक्शन वाली कंपनी जो आयरन बनाती है, तो उसके लिए सही नहीं होगा कि वो नमी वाली जगह पर अपने जो है ना फैक्ट्रीज बनाए, क्योंकि लोहा जंग खा लेता है, जंग पकड़ लेता है। जब फिजिकल फैक्टर्स में, फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्या आपकी लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, एक तो नेचुरली वो जगह ऐसी होनी चाहिए
चाहिए कि जो रूट ऑफ आने जाना आसान हो, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लग सकता हो। फिर सेकेंडली कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, हमारी जो भी बिजनेस की साइट लोकेशन की रिक्वायरमेंट्स है, उतना स्पेस है हमारे पास अगर अवेलेबल तो वैसी जगह पर जाना चाहिए। पता चला कि बहुत ही नैरो स्पेसेस की दुकानों के बीच में आपने अपनी फैक्ट्री खोलने का सोचा है और रोड्स भी बहुत नैरो, दैट्स नॉट वाइज, ये वाइज नहीं होगा, अकलमंदी नहीं होगी। तो कुछ तो आपके फिजिकल जो फैक्ट्री है उसकी लोकेशन की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है कि उसके आसपास रोड्स आने जाने वाले मौजूद हो, साथ में उसकी जगह इतना स्पेस हो, ऐसा वहां पर वेदर हो, मॉइस्चर ना हो, ठीक है, ये साइट रिक्वायरमेंट्स में आ गया। इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स, कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, जो मैं फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ वो उसका जो रॉ मटेरियल है वो आसपास से मिल जाएगा कि नहीं। फिर लेबर की अवेलेबिलिटी, जो मैं फैक्ट्री लगाने जा रहा हूँ उसके जो उसके अंदर जो लोग काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि उनको 3-3 घंटे का सफर करके आना पड़ेगा, तो ऐसे तो लोग लेबर नहीं आएगा फिर हमारे काम पे, ज्यादा तो आधे 1.5 घंटे दूर होना चाहिए, इससे ऊपर तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। फिर कैपिटल, आपका आपकी इंडस्ट्रियल लोकेशन आप उस जगह रखोगे जहां पर आपका मकसद कैपिटल का एक मतलब ये भी होता है कि आपके जो पैसा आपके पास अवेलेबल है, आपके पास ऐसा पैसा ही अवेलेबल नहीं है कि आप कोई इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर जाके अपनी फैक्ट्री लगाओ। इंडस्ट्रियल स्टेट क्या होती है? वो जगह जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटेड होता है कि यहां पर तमाम इंडस्ट्रीज खुल सकती है, वो इंडस्ट्रियल, जैसे साइट एरिया, सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट कहलाते हैं साइट, SITE साइट, तो वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट है। न्यू कराची में इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो ऐसी कोरंगी में इंडस्ट्रियल स्टेट, तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, ठीक है। तो वो मतलब किसी इंडस्ट्रियल कोर इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर जहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस फैक्ट्रीज वगैरह खुली हुई है, अगर आप वहां खोलते हो और आपको बहुत महंगा पड़ता है और आपके पास इतना कैपिटल नहीं, तो आप चाहोगे कहीं और खोल लो, फिर आप वहां नहीं खोल सकते। लेकिन कैपिटल मौजूद है तो फिर आप अच्छी बड़ी जगह पर खोलना चाहोगे। एक्सेस टू मार्केट, फिर मार्केट जो आपका माल बन जाएगा वो भी तो बिकना है ना, वो कोई बहुत दूर दराज मार्केट्स ना हो कि जहां तक पहुंचा ही ना पाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे डेली मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट है ब्रेड, कंपनी की जो ब्रेड हम खाते हैं, अगर वो मैन्युफैक्चर होती हो किसी बहुत ही दूर दराज रूरल एरिया के अंदर, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, मार्केट करीब नहीं है उनके लिए सप्लायर, वो तो रोज खराब हो जाएगी ना, तो रोज ट्रैवल करना होता है ना। लेकिन ठीक है, इसी तरीके से एक फार्म है, पोल्ट्री फार्म कि जो आपने खोला है और वो रूट बहुत ही रगेड सरफेस है और उसके बनने के कोई आसार भी नजर नहीं आते, तो आप जो अंडर ट्रैवल करोगे तो टूट जाएंगे। ऑल्दो यू आर लाइक ट्रैवलिंग देम इन अ वेरी यू नो, एक उनका पैकेजिंग होती है स्ट्रॉन्ग बड़ी, लेकिन स्टिल वो रूट सोचेंगे शॉर्टेस्ट हो, इतना लंबा ना हो कि मतलब अंडे अंडे ही पहुंचे, चूजे ना हो जाए वो, सही ना। सो दैट इज रिक्वायरमेंट कि आपके एक्सेस टू मार्केट होना चाहिए। इसी तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी फोकस रखना। अच्छा, आपके पास कैपिटल है नहीं कि आप इंडस्ट्रियल स्टेट में जाके कोई वहां की कोई जमीन में फैक्ट्री खोले, इतना पैसा नहीं, तो आप ऐसा नहीं किसी रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्री खोल दे। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर हुई ना कि आप फैक्ट्री खोलनी है तो किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में ही खोलनी है, तो आप कहीं से भी पैसा लाए, पार्टनरशिप्स करें, लेकिन खोलनी आपको इंडस्ट्रियल स्टेट में ही पड़ेगी, ठीक है। स्किल्ड लेबर, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बता रहा हूं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी फॉलो करना पड़ता है कि आप लोकेशन डिसाइड करते हो कि मुझे कहां खोलना है कोई बिजनेस। स्किल्ड लेबर अवेलेबल है कि नहीं जो मुझे चाहिए। बिजली है कि नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कि बिजली है कि नहीं वहां, और नॉट ओनली बिजली, तमाम यूटिलिटीज, पानी है कि नहीं, इसी तरीके से इंटरनेट लाइंस की अगर रिक्वायरमेंट पड़ सकती तो वो है कि नहीं। फिर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, कि आपके इंडस्ट्रियल लिंक्स जो है, मतलब आपकी इंडस्ट्री किसी और इंडस्ट्री पे अगर डिपेंडेंट है तो वो इंडस्ट्री पे आसपास हो, इट्स लाइक मार्केट, सप्लायर्स की मार्केट करीब हो आपके। मार्केट तो दोनों चीजों की होती है ना, एक कस्टमर्स की और एक सप्लायर्स की, तो आपका माल जो सप्लाई कर रहे हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज वो भी अवेलेबल हो आसपास, उनसे रॉ मटेरियल आप लेते हो, ठीक है। तो वो ये रॉ मटेरियल के ऊपर वो पॉइंट मैंने कवर कर ही दिया था, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल पे, ठीक है। तो इसी चीज को ये मतलब आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे, सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन इन चीजों पर डिपेंडेंट है और उसके आगे डिटेल्स इसकी दी हुई है। अच्छा, प्राइमरी इंडस्ट्री का तो हमें पता है कौन सी होती है, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग। क्वेरिंग वो होती है वो जो पहाड़ से लाइमस्टोन काटना, क्वेरीज बनाना, सब ठीक है, क्वेरिंग के अलावा एग्रीकल्चर, तो सारी हमारी प्राइमरी। सेकेंडरी का भी मैंने आपको बता दिया, सेकेंडरी में बहुत लार्ज भी होती है फैक्ट्रीज, बहुत लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, स्मॉल टू मीडियम स्केल भी होती है और स्मॉल स्केल भी होती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो घरेलू इंडस्ट्रीज होती है ना उनको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज। टर्शियरी इंडस्ट्री भी बता दिया मैंने आप। अब आप ये सब कुछ जब रीड करेंगे ना, यू गाइस विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। रॉ मटेरियल्स की डिटेल्स याद दी हुई है, प्राइमरी रिसोर्सेज भी हो सकते हैं रॉ मटेरियल और सेकेंडरी रॉ मटेरियल भी हो सकता है। प्राइमरी रॉ मटेरियल वो होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज से निकलता है, सेकेंडरी रॉ मटेरियल कौन सा होता है जो एक बिजनेस की तरफ से बन के निकल गया हो लेकिन दूसरे बिजनेस के लिए वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो अब हम अगर कॉटन मैन्युफैक्चरिंग का होल प्रोसेस देख ले, कॉटन टू गारमेंट प्रोसेस, ये बड़ा अच्छा हमें जो है ना समझ में आ जाएगा ये देख के, ये कौन सा प्रोसेस है। ये एग्रीकल्चर का, कि कॉटन जमीन से निकाला और कॉटन जमीन से जब निकलता है उसको उसके कॉटन के फ्लफ को उसके सीड से अलग करने को क्या कहते हैं, गिनिंग। गिनिंग मतलब गिनना नहीं, आई एम गिनिंग द कॉटन, नो इट्स लाइक इसके फ्लफ को अलग करना सीड से, गिनिंग, ठीक है। फिर यार्न, यार्न क्या, यार्न तो बना है, इसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, कॉटन से यार्न बनाने के प्रोसेस को, स्पिनिंग। निटिंग तो हाथ से होती है,
जो दादी नहीं दिखाते फायरप्लेस के पास बैठ के कार्टून में, दो गोलो दो यान से कब वो बनाती है, बुनती है स्वेटर्स, वो कहलाती है निटिंग, गिनिंग स्पिनिंग, फिर फैब्रिक्स, यान से फैब्रिक बन रहा है, वीविंग, ओके, फैब्रिक का जो है ना क्या कहते हैं वॉश हो रहा है, इसको वॉशिंग कर लो ना, इन्हें डाइंग इसको अभी नहीं कहो, डाइंग में तो रंग होगा वो आगे, फिर ये पहले डाई कर रहा है तो वॉश किया, फिर डाई किया, फिर आई थिंक दोबारा डाई किया, फिर ये डाइंग के प्रोसेस के बाद फाइनली स्टिचिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग। अच्छा, जरूरी नहीं है कि पहले डाई हो फिर स्टिच हो, ऐसा भी होता है कि स्टिच पहले हो जाए बाद में डाई हो, ठीक है, ऐसा भी, मतलब बाद में वॉश हो, वॉशिंग का मतलब ये नहीं होता सिर्फ के कपड़े धोना, वॉशिंग का मतलब कलर्स आना, तो स्टिच होने के बाद भी फिर वॉश होता है, उसमें अलग कलर्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये हर प्रोसेस अगर अलग बिजनेस हो, जमीन से कॉटन निकालने वाला बिजनेस अलग हो, ये वाला, ये अलग बिजनेस हो, कॉटन से यार्न बनाने वाला अलग बिजनेस हो, यार्न से फैब्रिक बनाने वाला अलग हो, इस तरह सारे अलग अलग हो, तो हर अगले बिजनेस के लिए जो पिछले बिजनेस का आउटपुट है, जो पिछले बिजनेस का आउटपुट है वो अगले बिजनेस का क्या है, इनपुट। तो जो पिछले बिजनेस की फिनिश प्रोडक्ट है वो अगले बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है, सही। तो रॉ मटेरियल का हरगिज मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जो नेचुरल रिसोर्सेज से निकला वही रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल निकाल लिया नेचुरल रिसोर्सेज से, वो तो एक फार्मर के लिए आउटपुट है, वो सेल कर देगा, उसका फिनिश गुड है, वो सेल कर देगा, जिसने वो उसका फिनिश गुड कॉटन लिया अपने पास खरीदा, तो वो उसके लिए इनपुट है, उसके लिए रॉ मटेरियल है, उस कॉटन से फिर जिसने धागा बनाया उसके लिए धागा आउटपुट है, फिनिश गुड है धागा, उस धागा, वो धागा खरीदा उस बिजनेस ने जो धागे से कपड़ा बनाता है, तो धागे से कपड़ा बनाने वाला वीविंग का जो बिजनेस है उसके लिए धागा यार्न क्या है, इनपुट है, रॉ मटेरियल है, और आउटपुट क्या है उसका, फैब्रिक, फैब्रिक से जो फैब्रिक को रंग करते हैं उनके लिए फैब्रिक क्या है, इनपुट या रॉ मटेरियल कह लो, और आउटपुट क्या है, डाइड, डाइड एंड वॉश्ड फैब्रिक, कलर हुआ हुआ फैब्रिक, उससे फिर जो स्टिचिंग करते हैं उनके लिए इनपुट है वो फिनिश फैब्रिक जो कि कलर प्रोसेस फैब्रिक, और कलर हुआ फैब्रिक लेके वो कटिंग करके स्टिचिंग करते हैं, और आउटपुट क्या उनका, स्टिच पैंट्स, क्लियर। तो सबके लिए अपना जो है ना इनपुट जो है वो रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के अंदर प्राइमरी सोर्सेज बता रहे, जैसे टिम्बर होता है लकड़ी फॉरेस्ट वगैरह से आती है, वाटर भी एक रॉ मटेरियल है, फिश भी रॉ मटेरियल, ये सब, तो ये प्राइमरी रॉ मटेरियल्स हैं, लेकिन सिर्फ यही नहीं है रॉ मटेरियल्स, और भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, कोयला, ऑयल, गैस, ये भी तो ये मदद देते हैं या तो इन्हीं की कोई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या इनको यूज करके कोई दूसरी प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे ऑयल की बहुत सारी बाय प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑयल को यूज करके और बहुत सारी बाय प्रोडक्ट्स बनती है। अच्छा, ये रॉ मटेरियल है, ये जिन बिजनेसेस को जाते हैं तो उनके कोई फिनिश गुड्स बनते हैं, ठीक है, जिन बिजनेसेस के ये इनपुट्स हैं उनके आउटपुट होंगे कुछ, फिर ये वाले जो बिजनेसेस हैं वो उन आउटपुट को एज एन इनपुट लेंगे और खुद कुछ बनाएंगे, लाइक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। रॉ मटेरियल को उसने डिवाइड किया प्राइमरी रिसोर्सेज और सेकेंडरी, प्राइमरी के अंदर सस्टेनेबल, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल वो थे जो हमारी जिंदगी में रिन्यू हो जाए, सस्टेन हो सके, जैसे फॉरेस्ट, पानी, फिश, ये रिप्रोड्यूस हो जाती है, या वाटर साइकिल होती है तो इससे बारिश होती है, वो वाले प्रोसेस के अंदर पानी आ जाता है और जम जाता है पहाड़ों पे, पिघल के आ जाता है, वो एक पूरे साइकिल के अंदर दिखता है, लेकिन ये जो मिनरल रिसोर्सेज है या फॉसिल फ्यूल्स है ये लाखों साल ले लेते हैं, हजारों लाखों साल के दौराने में ये फिर बनता है जमीन के अंदर, ठीक है। सो दिस दे आर नॉट रिन्यूएबल इन आवर एजेस, हमारी उम्र में हमें रिन्यू होते हुए नहीं नजर आते। अच्छा, रॉ मटेरियल में सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें प्रोसेस्ड है और मैन्युफैक्चर्ड है, मिसाल के तौर पे कॉटन यार्न, कॉटन से यार्न बना, ठीक है, तो एक कॉटन से जो यार्न बना रहा है उसके लिए तो ये आउटपुट है, लेकिन जिसको यार्न से क्लोथ बनाना है उसके लिए तो ये रॉ मटेरियल है ना। इसी तरीके से कॉटन क्लोथ, किसी के लिए कॉटन क्लोथ रॉ मटेरियल होगा, कॉटन का क्लोथ से वो कुछ कोई गारमेंट्स बनाना चाह रहे हैं कॉटन फैब्रिक से, तो उसके लिए कॉटन क्लोथ रॉ मटेरियल है। किसी के लिए आटा रॉ मटेरियल है क्योंकि वो आटे से रोटी बना के बेचना चाहता है, और आटे वाले के लिए गंदम रॉ मटेरियल है क्योंकि वो गंदम से आटा बनाना चाहता है। सबके लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होता है, जिसका जो रॉ मटेरियल होता है ना, जिसके लिए कोई चीज रॉ मटेरियल है वो उससे अपस्ट्रीम वाले, उससे पिछले वाले बिजनेस के लिए वो उसके फिनिश गुड है। फिनिश गुड मतलब बनी हुई चीज, ठीक है, गुड्स, गुड्स जो है ना मशिया को भी कहते हैं, चीजों को भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती है जिनका ताल्लुक एग्रीकल्चर से होता है, याद रखना, जैसे कि आपकी इसने मिसाल दी है शुगर इंडस्ट्री, गन्ने से बनाती है शुगर, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। इसी तरीके से कॉटन से बनाती है यार्न, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। फिर प्रिंसिपल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेजर पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज, और पूरा प्रोसेस यहाँ बताया हुआ है, ठीक है, बल्कि इन डेप्थ बताया हुआ है कि आपके जो पूरे ये लूम्स कहलाते हैं, जो मतलब कपड़े को जो धागे से कपड़ा बनाते हैं वो लूम्स कहलाते हैं, इसका पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है कि किस तरीके से धागे के रोल है, धागे के रोल नजर आ रहे हैं सारे, ये यार्न के रोल है, ये यार्न के रोल्स का धागा मिलता है, मिल के इस तरह से ये सिंगल सिंगल धागा मिलके यार्न का थोड़ा सा मोटा धागा बनता है, फिर ये वाले धागों से कपड़ा बनता है, ठीक है ना। एक्चुअली कपड़ा यहाँ प्रोसेस नहीं, कपड़े का प्रोसेस के बाद होना चाहिए। ये पीछे से क्या आ रही है बताओ, कॉटन बेल्स, कॉटन बेल्स मैंने नहीं बताई थी, स्क्वायर स्क्वायर कॉटन, ये कपड़ा नहीं है, ये कॉटन बेल्स आ रही है, ये कॉटन बेल्स आके थोड़े से समझ लो प्रेस हो रही है एक तरह से, और उसके बाद ये कटर्स लगे हुए हैं जो कॉटन बेल्स को काटते हैं, फिर ये कटर्स के बाद यहाँ से एक तरह से
वो जमा हो रही है यहाँ पर, ये तमाम फाइबर जितना भी है ना कॉटन का, मतलब कॉटन का मटेरियल, ये जमा हो रहा है रोल्स के अंदर, फिर ये रोल्स जाके दूसरे प्रोसेस में लग रहे हैं, स्पिनिंग का प्रोसेस। उस स्पिनिंग के प्रोसेस में सारे 5 6 रोल्स, लेट्स सपोज 5 रोल्स है, 5 रोल्स मिलके एक धागा बना रहे हैं, और फिर वो धागा एक धागे के रोल में जमा हो रहा है। ये धागे का रोल है यार्न बॉबिन जो लिखा है, जबकि वो वाले जो रोल्स है वो क्या है, वो कॉटन के कटे हुए पीसेस है, मतलब वो ऐसे है कि फ्लफी से है, वो अगर इसकी बात करें तो ये टूट भी जाएंगे, लेकिन जब इनके मिलके इनका प्रोसेस होता है, एक दूसरे में घूमते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जब ये एक दूसरे में घूमते हैं और धागा बनाते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, फिर 2 धागों को घुमा के या 4 धागों को घुमा के एक और स्ट्रांग धागा बना तो और मोटा और बहुत स्ट्रांग धागा बन सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपको किस तरह का कपड़ा बनाना है। अगर आपको ऐसा नहीं बनाना कि बहुत सारे धागों को आपस में रोल करके एक और धागा बनाए जिससे कपड़ा बनाए, तो ऐसा नहीं बनाना, तो आप कम रोल्ड धागों के साथ भी बना सकते हैं, तो इसके अगर विजुअलाइजेशन देख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बहरहाल ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको बताया हुआ है। पाकिस्तान में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, एक दो पॉइंट्स कवर कर देता हूँ। एक तो एक्सपोर्ट्स में बड़ी मदद देता है, पाकिस्तान में की जीडीपी में बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, पाकिस्तान की जो टोटल प्रोडक्शन है पूरे मुल्क की उसमें कॉटन का बहुत बड़ा किरदार है, और जितना ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है कितना, 7% बता रहे हैं यहाँ पर, और आज के दौर में ज्यादा हो गया होगा 7% से भी। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जितनी भी है ना, उनका पाकिस्तान की जीडीपी में, पूरे पाकिस्तान की जो पूरे साल जितनी वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वो जीडीपी कहलाते हैं, तो उसमें से कॉटन 7% है, सब वेरी वेरी बिग नंबर। फिर नेशनल एक्सचेकर में मदद के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, नेशनल एक्सचेकर किसे कहता है, गवर्नमेंट का गल्ला, गवर्नमेंट के गल्ले में कॉटन कैसे मदद करता है, कॉटन बनता है बिकता है, ओनर्स को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पे वो टैक्स देते हैं, क्लियर है। फिर दूसरी चीज, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ले सकती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट पब्लिक से लेती है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, कैसे, जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो खरीदने जाते हैं उसके रिटेल प्राइस वैसे कुछ और होते हैं, टैक्स लगने के बाद हमें प्राइस पे करनी पड़ती है, समझ आ रही, तो वो प्राइस इवेंचुअली गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं, क्लियर है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। तो अगर हम, मैं जाके लेट्स सपोज किसी टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेस से, लाइक मैं कोई ब्रांडेड जीन्स की पैंट खरीद रहा हूँ, तो उसमें मुझे टैक्स भी देना पड़ेगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स दूंगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट में जाके जमा होगा, मैं जिससे जीन्स खरीद रहा हूँ वो गवर्नमेंट को जाके नहीं देगा, उसने जिससे माल खरीदा है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने जीन्स खरीदी, वैसे थी वो 4000 की, ठीक है, मुझे पड़ी 4800 की, क्योंकि उस पर 20% टैक्स था, तो 4800 की जिसने मुझे बेची ना, उसने वो खुद खरीदी थी, लेट्स सपोज 3800 की, उसको 1000 का प्रॉफिट हुआ, उसने जिससे 3800 की खरीदी ना, वो लेट्स सपोज फैक्ट्री थी, तो उस फैक्ट्री को बेचना तो 3000 की थी, लेकिन गवर्नमेंट का 800 लगा के उसने 3800 की बेची, तो वो फैक्ट्री 800 गवर्नमेंट को दे देगी, जब वो फैक्ट्री 800 गवर्नमेंट को दे देगी और माल बेचेगी, वो रिसीव कर लेगी अपने उससे जो रिटेल आउटलेट पे बेचने वाला है रिटेलर से, फिर रिटेलर जब 3800 की खरीदी हुई चीज 4800 की बेचेगा, तो वो कस्टमर से रिसीव कर लेगा 800, तो ये इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स देना, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एक्सचेकर, नेशनल एक्सचेकर के अंदर कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट का गल्ले में पैसा आता है, टैक्स ही आता है ना गवर्नमेंट का पैसा। प्रॉब्लम्स भी है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर, तो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस और प्रॉब्लम्स तक पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तक पढ़ेंगे, शुगर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एक्चुअली ये भी आप पढ़ लेंगे, सब पीछे कवर हो चुका है, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। इसके अंदर बिल फर्ज आपको कुछ अगर नहीं क्लियर होता तो आप पूछ लेंगे इंडस्ट्रियल स्टेट से पहले पहले थे, पेज नंबर 162 तक एवरीथिंग शुड बी क्लियर सो फार, क्योंकि पीछे हमने सब कुछ कवर किया हुआ है, तो उसको दोबारा जो क्लासेस फॉलो कर रहे हैं पूरी, उसको दोबारा कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, इंडस्ट्रियल स्टेट से मैं कंटिन्यू करूंगा बाद में, पेज नंबर 162 तक आप लोगों ने रीड करना है। थैंक यू, क्लास एंड्स ओवर हियर।